क्यूआला 5। आज हम बनाने जा रहे हैं हरियाणी पापड़। ये घर में मौजूद मसालों से ही बन जाती है, बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाते हैं हमारे तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में ये जो बेल आइकन है उसे दबाने से हमारी रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। सबसे पहले हम हरे मसाले का पेस्ट बना लेंगे। तो एक मिक्सी जार में लेंगे धनिया पत्ती, डालेंगे उसमें हरी मिर्चें, लहसुन की जवे, जीरा और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए और इन सबको हम एक पेस्ट बना लेंगे। ये पीस के हो गया हमारा, इसे एक बोल में निकाल लेते हैं और इसी में हम हमारा चाट मसाला डाल देंगे, हल्दी पाउडर, ये नींबू आधा लिया है मैंने, इसे इसमें निचोड़ लेंगे। निचोड़ते वक्त ध्यान रहे कि जो इसकी बीज है वो उसमें ना डालें और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये मिक्सचर हमारा तैयार है फिश पे लगाने के लिए। ये 5 पापलेट लिए हैं मैंने, जिसे अच्छे से क्लीन करके 3 पानी से वॉश कर लिया था और इसमें कट्स लगा लिए हैं। अब इस पर ही हम हमारा मसाला लगाएंगे। तो एक बर्तन में जो मसाला हमने तैयार किया था उसे निकाल लेंगे और यही मसाला हम एक एक फिश पे अच्छे से लगाएंगे। जो कट्स हमने फिश पे दिए हैं उसके अंदर अंदर ये मसाला अच्छे से लगाए, किनारियों पर, ऊपरी हिस्से में और नीचे के हिस्से में अच्छे से मसाले को लगाए। पीछे की तरफ भी उसी तरीके से अच्छे से मसाला लगाए, कट्स के अंदर, ऊपरी हिस्से में और नीचे के हिस्से में। कट्स में मसाला लगाने से जो ये मसाले का फ्लेवर है वो फिश के अंदर तक अच्छे से उतरता है, इसलिए कट्स में अच्छे से मसाला लगाए। और ये जो मुंह का हिस्सा है इसके अंदर भी हम मसाला लगाएंगे। मसाला लेकिन ज्यादा नहीं लगाना है, बस एक कोटिंग करना है हल्की सी उसके अंदर। ये देखिए, ये हमारा मसाला अच्छे से फिश पे लग गया है। इसी तरीके से हम सारी मछलियों पर मसाला लगा लेंगे। ये सारी मछलियों पर मसाला लगा के हो गया है। अब हम इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही खुला करके छोड़ देंगे, फिर फ्राई करेंगे। 15 मिनट हो गए हमारे, अब हम इस फिश को फ्राई करेंगे। तो एक पैन ले लिया है हाई फ्लेम पे, इसमें डालेंगे हम ऑयल। तेल को अच्छे से हम गरम होने देंगे जब तक ये फिश पे हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ मैंने चावल का आटा लिया है, आप चाहे तो गेहूं का भी आटा ले सकते हैं या बेसन भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। इसे दोनों तरफ अच्छे से कोट करेंगे आटे को। यहाँ हमारा तेल भी गरम हो गया है, अब हम फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और सारी फिशेस को एक एक करके इस पे बिछा देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही खुले पे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। फिश जो है वो ज्यादा टाइम नहीं लेती है गलने के लिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसे खुले पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये 5 मिनट हो गए हमारे, अब हम जो फिश है ये हमारी इसे पलट लेंगे। ये पलट के हो गया है, अब इसे हम 5 मिनट के लिए नीचे की तरफ से भी पकाएंगे ऐसे ही खुले पर मीडियम फ्लेम पर। ये 5 मिनट हो गया है दूसरी तरफ से भी पकते हुए, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये फिश जो है हमारी बिल्कुल तैयार है। तो हरियाली पापलेट को हम सर्व कर लेते हैं।